हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बर्तनों के आयतन का अनुमान और जांच एस्टिमेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर्स के बारे में जानेंगे। गोलू ने अपना मसाला दूध प्रसिद्ध होने की खुशी में चंपापुर में एक अनोखी प्रतियोगिता रखी है। जो भी 10 दिनों में उसके मसाला दूध के सबसे ज्यादा ढक्कन इकट्ठा करेगा उसे इनाम में गोलू 1 महीने तक हर दिन एक मुफ्त मसाला दूध देगा। सभी लोग उत्साहित होकर गोलू के मसाला दूध के ढक्कन जमा करने में जुट गए। चंदा सोच रही है, मैं अगर 10 दिनों में 100 मसाला दूध के ढक्कन इकट्ठा कर लूं, तो मैं ये प्रतियोगिता जीत सकती हूं। लेकिन इतने सारे ढक्कन रखने के लिए मुझे एक काफी बड़े बर्तन की जरूरत होगी। अब मैं ये कैसे पता लगाऊं कि मुझे 100 ढक्कन इकट्ठा करने के लिए कितने आयतन वॉल्यूम का बर्तन लेना होगा? तभी उसकी नजर उसके घर में रखे मापक कप पर गई। अरे हाँ, मैं इस मापक कप की मदद से पहले पता कर लेती हूँ कि 10 ढक्कनों का आयतन वॉल्यूम कितना है, फिर मैं 100 ढक्कनों के आयतन का पता आसानी से लगा पाऊंगी। चंदा ने उस मापक कप में 50 मिलीलीटर के स्तर तक पानी भर लिया। फिर उसने उस मापक कप में 10 ढक्कन डाल दिए और पानी का स्तर 150 मिलीलीटर पर आ गया। अच्छा, पहले पानी का स्तर 50 मिलीलीटर पर था और अब बढ़कर 150 मिलीलीटर पर पहुंच गया है। इसका मतलब 10 ढक्कनों का आयतन 100 मिलीलीटर है, और अगर 10 ढक्कनों का आयतन 100 मिलीलीटर है तो 100 ढक्कनों का आयतन होगा 100 × 10 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर। मुझे 1 लीटर के आयतन का बर्तन लेना होगा। चंदा ने तुरंत एक 1 लीटर घी का डब्बा ले लिया और उसमें गोलू के मसाला दूध के ढक्कन जमा करने लगी। देखते देखते 10 दिन बीत गए। सभी लोगों ने अलग अलग संख्याओं में ढक्कन जमा किए हैं। बच्चों, अगर बब्बन ने अपने डिब्बे में 30 ढक्कन इकट्ठा किए हैं और उसका डिब्बा केवल आधा भरा है, तो क्या आप बता सकते हैं कि बब्बन के डिब्बे का आयतन वॉल्यूम कितना है? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर सोच सकते हैं। 10 ढक्कनों का आयतन 100 मिलीलीटर है और बब्बन ने 30 ढक्कन इकट्ठे किए हैं। इसका मतलब बब्बन द्वारा इकट्ठे किए गए ढक्कनों का आयतन होगा 100 × 3 300 मिलीलीटर। लेकिन बब्बन द्वारा इकट्ठे किए गए ढक्कनों का आयतन उसके डिब्बे के आयतन का आधा है, इसलिए बब्बन के डिब्बे का आयतन वॉल्यूम होगा 300 × 2 या 600 मिलीलीटर। चंदा ने सबसे ज्यादा ढक्कन 100 ढक्कन इकट्ठे करके प्रतियोगिता जीत ली। अब चंदा को 1 महीने तक हर दिन एक मसाला दूध मुफ्त मिलेगा। देखिए चंदा खुशी से कैसे नाच रही है। बच्चों, इस वीडियो में हमने बर्तनों के आयतन का अनुमान और जांच एस्टिमेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर्स के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे।